प्रथला के गांव असावटी के रहने वाली एक विवाहिता प्रीति नाम की महिला ने अपने ससुराल चांदपुर गांव के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों को सूचित कर उन्हें चांदपुर गांव बुलाया गया। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? एडवोकेट राजेश। राजेश, क्या हुआ एक बार बताइए, पूरा मामला क्या है एक बार बताइए, पूरा मामला क्या है? छोटी बहन थी मेरी, प्रीति नाम था इसका, ये चांदपुर गांव में तेगाम से आके वहाँ पर आई, शादी हुई थी कन्हैया और नीटू सनोब नारायण सिंह के साथ हुई थी 2008 में जी। दो बेटे हैं इसको, ये जो कन्हैया हैं ये हरियाणा पुलिस में है, सदर थाने पलवल में ड्यूटी है, ये आईपीएल के सट्टे मैच वगैरह सारा पीना जुआ और भी गलत संगतों में सारी उसमें है। इसने आईपीएल के मैच खेलने के कारण अपने ऊपर 25 लाख रुपए का कर्जा भी चढ़ा लिया था, तो उसमें फिर इसके जो पिता थे, सास थी मतलब, और मतलब माँ बाप इसके और इसकी बहन जीजा, ये इन सब ने ये छोटी बहन के ऊपर दबाव बनाया कि भाई हम ही 25 लाख देंगे सारे, तो अपने पीर वालों से भी कह रहे ये कर और वो कर। उसने हमसे कहा, उसमें फिर हमने भी 10 लाख रुपए की मदद की, 15 लाख उन्होंने दिए, 10 हमने दिए, वो कर्जा निपटवाया। क्या ये पहले से ही मांग चलती आ रही थी कोई पैसे को लेकर के, या क्या अभी पैसे मांगे गए आपसे? नहीं, ये तो कई साल पहले की बात है। कई साल पहले की बात है ये तो कई साल पहले की बात है। तो पुलिस को शिकायत दी गई है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी तक? पुलिस कह रही है कि मुकदमा दर्ज करेंगे। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? अभी कब की घटना है? कल शाम की घटना है, और आज दोपहर के एक बजे का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक मामला जो है वो दर्ज नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। क्या मानते हो कि पुलिस की कहीं ना कहीं मिली वक्त शिकायत दे दी गई है आप लोग की तरफ से? हाँ, मैंने एप्लीकेशन दे दी है। पुलिस ने ढिलाई बरती है सर, क्या कहेंगे? क्या कह सकता हूँ, कौन कौन आरोपी हैं इसमें, कितने लोगों के खिलाफ जो शिकायत आपने दी है? इसमें हमने पाँच लोगों के खिलाफ कौन कौन है पाँच लोगों में से? इसमें पति है, सास है, ससुर है, ननद है और ननदेव है। कितनी उम्र थी मृतक की? लगभग 35 साल थी। 35 साल की उम्र। सर, एक शिकायत दी गई है, लड़की की हत्या की गई है परिजनों की तरफ से, क्या कार्रवाई की जा रही है, आरोप लगा रहे परिवार? हाँ, राधेश लड़की जो जिसकी डेथ हुई है उसका भाई ने कंप्लेंट दी है कि मेरी बहन को मारा है और मेरे से पैसे भी लेते रहे, इस वजह से एक कंप्लेंट मिली है, हमने 302 का मुकदमा दर्ज करा है, पोस्टमार्टम चल रहा है, जैसे कि तफ्तीश हो कार्रवाई। कितने लोगों के खिलाफ जो है शिकायत दी गई? अभी इन्होंने 5 आदमियों के खिलाफ दी, लड़का, लड़की की माँ बाप और बहन और उसका घर वाला। जो मृतक है उसके घर वाले जो पति हैं वो शायद किसी पति उसका बता रहे पुलिस में है, उसका कन्हैया नाम है जो पलवल पुलिस है, उसका एक रिश्तेदार भी और है वो पुलिस में बता। तो कब तक आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लेगी? अभी तफ्तीश चल रही है, चलेगी, पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद फारिग होकर देखते हैं, जल्दी कर रहे हैं। मौत का कारण पता पड़ पाया क्या? किस अभी पोस्टमार्टम के बाद पता क्लियर होगा।